नमस्कार, मैं अजय। लो जी, आज कोई उड्डा नहीं, कोई वो बंसा पार्क नहीं, आज ये नेहरू पार्क पकड़ लिया मैंने। शाम का टाइम है तो ठंडे ठंडे मौसम, हमारे सारे सामाजिक बुजुर्ग ताना बाना यहाँ पे बैठा हुआ है, टाइम पास करने के लिए, घूमने के लिए आए, क्योंकि घूमना बहुत जरूरी शरीर के लिए। उसी प्रकार से नेता भी घूम रहे हैं गली गली, घर घर हो रहे हैं। तो अब की बार पूछना काम करूंगा कि क्या माहौल बन रहा है भिवानी शहर का, क्या बुजुर्ग सोच रहा है, किस क्या आधार पर की बार वोट देने का काम करेगा। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। अब की बार क्या क्या प्लान रहेगा, किस तरह की तैयारियां है? हाँ जी, मैं पकड़ लूंगा ना, मैं पकड़ लूंगा जी। इस टाइम मोदी 400 पार, अच्छा, और 10 विधानसभा की सीटें आएंगी, हैं, और लोगों के जो है ये क्या बोलते हैं वो मंगोरी लाल के सपने ले रहे हैं लोग, जो है ना विपक्ष पार्टी मंगोरी लाल के सपने ले रहे हैं। 10 की 10 सीटें आएंगी, मोदी सरकार 400 पार, और ये तो डबोसले हैं, बोला मेरे पास इतने वोट हैं, मेरे पास इतने वोट है, कोई नहीं है, सरकार मोदी की बनेगी। जाति का श्रेणी तो नहीं है कौन? मैं जाति श्रेणी का हूँ। अच्छा, हाँ जी, तुम जाकर आगे पीछे हो जाकर, आगे पीछे हो जा भाई। और बोलो, ताना तो नु है जी, ये विपक्ष पार्टी का है, अब इनकी सरकार खत्म है। ये कौन सी पार्टी के है? ये कोई सी पार्टी है? कौन सी पार्टी का है? क्या पार्टी? ये खत्म सरकार है। अच्छा, अब क्या मोदी 400 पार प्लान बन रहा है? बता दे भाई, मोदी 400 पार। माहौल तो ये है कि टक्कर, मुकाबले की टक्कर है, मुकाबले टक्कर बनेगी, बनेगी मुकाबले की टक्कर, और कोई बात नहीं है, टक्कर मुकाबले की बनेगी। कुल मिला के ये अभी तक किसी का ये नहीं पता कौन किधर है। तो 400 पार का मारो तुम? ना ना, वो कहानी खत्म ही है, तो वही मारे है, क्योंकि वो तो जाति का श्रेणी है, रोड़ा ये हो है। 75 पार गई थी तो 40 आए थे, 40 पार है तो 200 आएंगी। जो मायावती का 201 भी नहीं होगी, 201 भी नहीं होगी, 200 से नीचे रहेंगे। तो अब की बार का जो विचार है वोटर का, ये एकदम चेंज कैसे हुआ? मोदी का जादू मोदी ने सब कुछ कर दिया, छोटे छोटे नौकरी खा गया, बड़े बड़ी नौकरी खाया, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। 700 रुपये तनख्वाह है मजदूर की, 700 नौकरी नहीं है मजदूर की, 700 रुपये तनख्वाह है, ये दारू पीता है ये। अरे सुन ले यार, उसको ये चपरासी लगा रहे, जबकि होना चाहिए वो अधिकारी, और ये लगा रहे उसको चपरासी। आजकल नौकरियां नहीं है, एक पढ़े लिखे बच्चे के लिए रोजगार नौकरी नहीं है। हीरे जवाहरात खरीदते 4% टैक्स, और बच्चे के लिए किताब खरीदते तो 16% और 18% टैक्स, जबकि टैक्स होना चाहिए माफ किताब पे, तो बच्चे कहाँ बढ़ा के ले जाएंगे? आज नहीं, बच्चे भी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर आगे नौकरी कोई गारंटी नहीं, क्यों नौकरी लगेगा नहीं लगेगा। अगर आप दारू की, अगर आप मुद्दों की बात करो तो अपने दारू की बात बताने लगे ना, ये बात सही है जी, आप बताओ ना दारू बात। अगर इन्होंने कह दिया कि शिक्षा के ऊपर वो टैक्स लगा है वो माफ हो जाए, तो शिक्षा अच्छी मिल जाए, तो दारू बात होगा। भाजी मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब इस बंदे ने इतनी अच्छी बात बताई है टैक्स वगैरह के ऊपर, अब ये जो कहते दारू पीते हैं, ये मतलब ये सोचो कि ये कहाँ बोल रहे हैं, ये अल्ले दल्ले खर्रे हैं, ठीक है। और रहा भाई दारू की बात, तो पैसे जिसके पास पैसा होगा वो पिएगा, जिसकी आदत है वो तो कुत्ते की पूछ कभी सिद्धि होती है क्या? मान लो मैं ही दारू पीता हूँ, मेरी कुत्ते वाली पूछ है, मेरी सिद्धि होगी? नहीं होगी ना, तो वो अब आप समझ लीजिए। अब ये तो कहते हैं बोले हमारे पास गरीबी है, कोई भी बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, प्राइवेट पढ़ाऊंगे, जहाँ 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपये देते हैं। या विफलता किसकी हुई? सरकारी स्कूल में टीचर नहीं होगा तो क्या करेंगे? विफल है भाई साहब, एक मिनट, अब ये भाई साहब बोल रहे हैं जैसे कि बच्चे प्राइवेट में पढ़ाते हैं, मेरे बच्चे हाल फिलहाल MDU में पढ़ते हैं सरकारी में, ठीक है, और मैंने 10वीं तक सरकारी में ही पढ़ाए हैं, ठीक है। आज वो लड़का PhD कर रहा है, पर मजबूरी है, नौकरी नहीं है, मैंने सरकारी में ही पढ़ाए हैं, ये भी नौकरी मिली है, दुकान अच्छा सो पढ़ाने बारे में सोचो जी, गवर्नमेंट कह रही बिना पर्ची बिना खर्ची गए लूट करता नौकरी, सभी ने नौकरी मिलेगी की? देखो जी, अपना भी तो काम करो, खुद पढ़ाई पढ़ाएगी, देखो गवर्नमेंट कह रही है सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाओगे तो 500 रुपया आपको देने पड़ेंगे,
और प्राइवेट में भेजोगे तो 1200 हम देंगे। ये कौन सी सरकार की आने वाले टाइम में ये क्या बच्चे नहीं सरकारी स्कूलों में, ये स्कूल बंद करने जा रहे हैं सारे। 5000 तो हरियाणा बंद कर चुके हैं ये, और बाकी जो बचे हुए हैं स्कूल हरियाणा में वो बंद करने जा रहे हैं। अगर ये सरकार आई तो ये बच्चे सरकारी स्कूल सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे नहीं बताएंगे ये सारे जज आड़े बन जाएंगे। लेकिन नू को नहीं, अपने राय दे दो, अपने राय दे दो, कौन बंद कराया कौन नहीं बंद कराया तो चल रही मीडिया में। सरकार की पॉलिसी है, अगर हम दारू नहीं पीवा सरकार किस तरह चल लेगी, इनकी सरकार चल लेगी। वो इनका धोईडा डीड़ा फेरा होगा ना, देर फेरा लगेगा इनने की होगा। अरे भाई सबसे बढ़िया सरकार से हम तो नुकमान है। अच्छा कमा के खाना सबने है, सही हां कमा के खाओ भाई। अपनी मेहनत करो, या सभी को नौकरी थोड़ी है, सभी को नौकरी दे देगी तो सरकार फिर बिना काम कौन करेगा, काम कौन करेगा, और मजदूरी और वगैरह कौन काम करेगा। सब अगर नौकरी दे देगी, अगर नौकरी दे देगी तो ताश कौन खेलेगा, ताश कौन खेलेगा। ये बात भी ठीक है, हम फ्री है, अपने अपने रिटायरमेंट साथ अपने खेलने से ले दो। दुर्भाग्य है इस देश के आदमी सारे फ्री हो जाए, ये दुर्भाग्य देश का, सारे आदमी नहीं, नहीं सारे आदमी फ्री हो जाए। टाइम पर आने पर टाइम क्यों जाता, उम्र होगी 65 साल की होगी तो उम्र होगी दिखाएंगे। जवान हो आप, जो काम हमारा लायक है वो भी करा, हमने बच्चे पढ़ा दिए, दिखा दिए, ऐसा है जी। कोई भी गवर्नमेंट आ जाओ, कि कांग्रेस आ जाओ कि बीजेपी आ जाओ, भ्रष्टाचार महंगाई और बेरोजगारी नहीं हट सकती, किसी से भी नहीं हट सकती। महंगाई बेरोजगारी कोई नहीं हटा सकता। ये धीरे 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 यही सरकार, यही बीजेपी की सरकार ही कम कर सकती है, बाकी और किसी का काम नहीं। बीजेपी की सरकार ही नौकरी महंगाई कम कर सकती है, और कोई बढ़ गई। हाँ महंगाई बढ़ी का, कोई आज का टाइम में कोई महंगाई नहीं बढ़ी। तेल के पारो, तेल कोई महंगाई नहीं, आप तेल ना लगाओ सब्जी लगाने कुछ भी लगा दो, महंगाई कोनी घटी। 400 रुपया सिलेंडर था, 1100 रुपया का हो गया, महंगाई बढ़िया है। सब्जी बताओ ना, खान की सब्जी बताओ ना, सब्जी भी पूरी हो रही है, 20 रुपये 50 रुपये। बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ी है, बीजेपी के राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ेगी, सब्जी किसान मारा है, सब्जी हो रही है। जिनका खर्चा 1 साल का 3000 रुपए कम से कम है, हर घर में ये है। कहाँ है टोटा पेट्रोल महंगा, सरकारी नौकरी करता हूँ, वो करने लग रहे हैं, राशन बटन लाग रहे हैं, टोटा नहीं है। मजदूरी 600 रुपए है, कोई कोई भी ऐसा मजदूर नहीं है जो 600 रुपए नहीं लाता, जिसके घर में 600 रुपए मजदूरी है तो वो 600 रुपए को औसत की मान ले तो कितने दिन काम मिलता है उस बंदे को, मैं एक महीने में ये नहीं बताया, ये बताएंगे इससे पूछो ना, इससे पूछो सवाल तो आपने 600 रुपए ये नहीं बताया, 600 रुपए ले काम तो बराबर मिलता, कोई करते नहीं है, करने की हिम्मत होनी चाहिए। अभी इनमें 300 दिन काम करो, काम बहुत है, कौन कर रहा है, आप दुकान पर जाओ, 4000 से 5000 रुपए महीने की, और 6000 रुपए दे दो, 12 घंटे काम लेते हैं, 12 घंटे काम लेते हैं बाजार में। अगर मैं 30 साल नौकरी करता हूँ गवर्नमेंट की तो मेरी पेंशन नहीं है आज, और ये MLA मेरे बढ़ जाते 5 साल के लिए, इनकी पेंशन डबल। एक बार MLA की एक बार, दो बार MLA की दो बार, तीन बार MLA की तीन बार, क्यों ऐसा सरकार में क्या काम हो रही है? ये आपका ज्यादा प्रिच है, आपसे विनती हाथ जोड़ के है, आप अपना प्रिच ना, ये कौन सा कानून है? मैंने 30 साल नौकरी करी है, मेरी कोई पेंशन नहीं, 5 साल मेरे रह गया उसकी पेंशन, अगली 5 साल बढ़ गया तो फिर पेंशन, ये क्यों? कौन सी आज के टाइम बता रहे पेंशन नहीं है, 3000 रुपए ले है कि नहीं, 3000 रुपए तो मिलेगा, 3000 ले है कि नहीं पेंशन,
वो मुनाफा में नहीं लेता सरकार की, ये तो चलता ही रहे। सरकार की करके खाओ, किसी को मिलता नहीं। तो अब सरकार का जो नेता चुनने जाएंगे वो क्या आधार का नेता सुनेंगे, क्या क्या उसके अंदर उपलब्धि होनी चाहिए, क्या क्या अब काम करते हैं उनसे करो, बाजार में, शहर में या गाँव में। भाऊजी भला करेगी तो बीजेपी करेगी, थोड़ा इंटरव्यू लेट दे। भाऊजी अगर देश का भला करेगी तो बीजेपी करेगी। भाऊजी हर आदमी जो काम मोदी ने कर दिया ना जी, पहले हम सड़क देखा करती, एक सड़क जाने के लिए है ना 10-10 घंटे लगा थे, 5 घंटा मांग ले चंडीगढ़ पहुंचे। हाँ जी, हाँ जी, मोदी ने यह धारा हटाई 370 की, दो और और बता दो मना, राम मंदिर अयोध्या का बनाया मोदी ने, बनाया किसे ने, कोई बनाया बताओ नहीं, हमने के बनाया। एक मिनट, एक मिनट, जिस इंसान को, जिस इंसान वर्ल्ड में इंडिया का कोई पूछता नहीं था, अब है ना उसकी जो व्यक्ति किसे शक्ति करनी है वो करेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति जो आदमी 10% से पूछ के, 60 साल की गंदगी 10 साल में खत्म नहीं होगी, एक मौका और मिलेगा, एक मौका और सरकार आओगी, मोदी ने कोई हरानिया नहीं, हरानिया नहीं पाओगे भाई। मोदी जी तो नहीं हारेगा, ये तो हम भी कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन से पूछ पूछ के संख्या गिनवाई, उसका क्या दिमाग है, क्या ये है? जो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन से पूछ पूछ कर सरकार की उपलब्धियां बताए, उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनो। हाँ, ये हम मानते हैं मोदी जी ने कुछ काम किया है, अच्छा किया है, और कुछ ऐसा भी है जो कि काफी आदमियों को नागवार गुजरा होगा, लेकिन काम तकरीबन विदेशों में अच्छा नाम किया देश का, हम मानते हैं। हमारे वीर जवान है उनके लिए अच्छा काम किया है, हम ये भी मान लेते हैं। सरकार ने भी थोड़ा बहुत, हो सकता है 19 की बात व्यवस्था मान लिया आप, आपके लिए तो क्या व्यवस्था मान लिया रोजगार की? कोई हरियाणा में रोजगार भी मिला है 10 साल के अंदर, आपके कोई शहर के अंदर कोई बड़ा उद्योग आया हो, उद्योग नहीं, बड़ा मिल लग गया हो, नहीं, नहीं। आपके बच्चे सारे वो शुद्ध धंधा सारे लाग रहे हैं, 370 टूटने के बाद में 370 टूटी तो उसमें आपका क्या फायदा हो गया, भेड़िया के फायदा हो गया? वहाँ वहाँ जो है ना पहले भाठे मार दे, भाठे को नहीं मारे हैं, भाठे वाली बात तो टूटी को नहीं, तो वो भी टूटा है उसका, मैं सुनने ये भी टूटा है, बस वो वहाँ पे जो डीजल है वो जमीन ले सकते हैं, ये टूटा हुआ ये बहने के लोग कितने जा के जमीन ले ली उड़ा है, तो वहाँ पर कोई जाओ को नहीं, जब उरे उरे के आदमी उठे क्यों जाओगे जी? वह ऐसी बात नहीं, जमीन है, जमीन की मैं बता रहा हूँ, वहाँ धारा वहाँ दो उतरे की है, जमीन के लिए धारा अडवाड़ी और अडवाड़ी के लिए तोड़ी गई है वहाँ, ना कि मेरे लिए, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा जो खान है वो जो अपनी बैटरी में जो सामान गलता है उसकी है, वो मोदी जी को उन्होंने देने के लिए उनको ये तोड़ी है, ना कि मेरे लिए। अब मंदिर की बात रहो, अब हमारे राष्ट्रपति जी थी यही जो फिलहाल है, क्या मंदिर में घुसने दिया? जाने के बाद उसकी पूजा पाठ दोबारा करवाएगा क्यों? आज तो देश का राष्ट्रपति पावरफुल पावर होता होगा, देश का पहला नागरिक है, लेकिन उसके लिए वो सहूलियत नहीं है। थोड़ी देर चुप रहेगा, झूठ क्यों बोल रहा है? बताओ मंदिर में जाने के लिए राष्ट्रपति को कौन रोकता है? जाके पाप पड़े। अरे इसने के लिए मेरा मेरा थोड़ी है ना, इसने पवन मेरा था, क्या पता तो है को नहीं, आपने मेरा बता दो, वो तो बताओ, बताए कब जाना? मैं बताता हूँ, कुछ लोग, एक मिनट, कुछ लोग जातिवाद के ऊपर जातिवाद कर रहा है ज्यादा चलते हैं। नहीं 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 मिलना चाहिए ना ऐसे, क्यों? ठीक है जी, आज जातिवाद के हिसाब से आदमी बोलते ये, हाँ भैया हमारी उसका है ये, इसलिए ये, और कोई विशेष बात नहीं है, उद्योग की बात तो आपकी बात करते रहे, जो लहर है, जो चार सौ की लहर है, वह लहर के ऊपर काम है को नहीं, आपके पास मुद्दा वो चुनाव होगा, 400 पार नहीं आ सकती, ये चट्टे बट्टे सारे एक है, चट्टे बट्टे सारे एक है, ये चार आदमी हाँ जी 75 पार की कहते हैं हरियाणा में, वो 47 को नहीं बताओ कहाँ है, 400 पार 400 पार
अगर फूड मुफ्त मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दारू पीने सारे है, आज देख ले क्या है। चार सौ पार आएगी। चलो जी, ये लोगों के विचार है, ये हमारे 400 पार आएगी मोदी सरकार। अब वहाँ जाऊंगा जी, अब लोगों से इनसे बात करने काम करो। सबको नमस्ते। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस भिवानी के लिए, इस लोकसभा के लिए क्या क्या बातें रहेंगी? हम तो मुलाजम आदमी से सरकार जी, हम तो रिटायर आदमी। देखो जी, मुकाबला जी बरोबर का भिवानी। अच्छा, आई जिसमें हारजीत वाल पहले वाली बात नहीं है, जो कि 5-7 लाख की हारजीत होगी। वो मान रहे थे, सोच रहे थे। हाँ जी, वो जितनी वो जितनी है, वो जितनी है। तो मुकाबला किस तरह बड़ा भाजी एकदम मुकाबला ऐसे अजीत बंदे जो साहब, ये रावदान सिंह जो है ये मुकाम अच्छा आदमी है। अच्छा अच्छा आदमी है। अब की बार भिवानी की जनता तो सोच समझ के वोट वोट देना काम करेगी। हाँ जी, है ना, ये विचार है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। वोट वोट अब की बार जो जनता है मोदी की पट्टी बांध के वोट नहीं देगी। अब तो हाँ, पहले थी ना लहर, वो लहर जो लहर थी पहले मोदी वो कम है, वो कम है। अब की बार तो एमपी जी के काम देख के वोट दिया जाएगा। भाई जीतेगा धर्मवीर, 2.5 लाख वोट जीतेगा या बता दो। अपने वहां शुरू होगी बहस, ये तो बड़ी पंचायत छिड़गी, बड़ी पंचायत छिड़ी, बड़ी पंचायत जो पंचायत देखने लायक है। नहीं तो फ्रेंड है सब, रोज का है, काम रोज का है। दोनों कुकर पीट गए, मजाक चलता है, मजाक चलता रहा। सरकार 400 पार। के अंदर मैं नजारा दिखा रहा हूँ आपको। सरकार पूरे बाजार में जो रंडुआ की सरकार है, ऊपर से नीचे लगे, यूपी में रंडुआ, ऊपर रंडुआ, हरियाणा में रंडुआ, सब रंडुआ की सरकार है। छोटा टॉपर 100 का नोट लेके चले जाए, 1500 रुपया के वह माँ पकड़ा दे बेटिया ने। 5 का नोट भी बनवा, 50 का महंगाई से सारे जे मरपिये भरे पड़े से, किसे किसे मैं देख ले तेरे दिखाला तू 10 रुपये मांगता पूजा करे गोले गप्पे खा जाओ। 100 रुपये भी नहीं खा सकते रात भर। 500 का दिखाओ जाओ भाऊ जी। 400 पार। हां 400 पार हां जी। लेकिन ये बात तो है, बस तो पूरी छिड़ी, बस पूरी छिड़ी, बस हां बस तो थोड़ी है नहीं, तबेरे पूरा जी रे भाई, बस समाधान भी निकलता निकलेगा। ठीक है रही है तो देखो जी, आपस में हर इंसान का अपना अलग अलग दिमाग है, वो अलग अलग बात है। है ये लोगों के विचार है और ये लोगों का प्रेम है। चल नमस्कार, नमस्कार, अपने विचार दे बताएं प्लीज। अब की बार चुनाव का मुद्दे क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आधार रहेगा वोट डालने का? अच्छा प्लीज। अच्छा जी, चुनाव का मुद्दा तो जी अपना मोदी साहब के साथ जी। देखो अभी तो लोगों का रुझान सही क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा जी। क्या कहेगा भाई, हम तो मोदी देवांगे वोट, मोदी देंगे। तो आपका क्लियर क्यों नहीं हुआ सर? मुझे इनका क्लियर हो गया, बस अभी थोड़ा डाउट है। वो तो सबका एक साथ थोड़ा होता है, सभी एक साथ सोचते अलग अलग। सही बात है, विचार अलग अलग होना चाहिए। अब और भी बैठे जी, नमस्कार सर, अब की बार का चुनाव के मुद्दे क्या क्या रहेंगे, क्या आधार रहेगा वोटों का भिवानी जनता का? भाई भिवानी जनता का भी तो जनाब के बेरा लगे 10-1 दिन पहले नहीं आईडिया कुछ लमसम तो लगता है। कई लोग बोल रहे हैं मोदी मोदी 400 पार के नारे अभी चला लाने गूंज गूंज उठे। 500 पार भी लगा सकते हैं सरकार। अच्छा, तो आपकी बार तो मोदी का चेहरे का इफेक्ट था, वो आपकी बार काम करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। भाई तो बुरा हाल हो रहा है, नहीं तो पिछली बार तो बहुत वोटा थे जीते बन गए थे, ये कहते बाजा हंडे थे सड़क तोड़ गई उसने तो सारी वो कामयाब को नहीं मुश्किल परिवर्तन होता है। पब्लिक उब जाती है, जो वादे किए थे जिनसे आई थी सरकार, पब्लिक धीरे धीरे समझती है। और जो युवा पीढ़ी है, जो वोट बने हम नए, जिनको वोट डालने की इच्छा है,
तो बेरोजगारी पे और पिन पे डालेंगे वोट डालेंगे। आपकी बार जो वोटर है वो सोच के वोट डालेगा, सोच समझ के वोट डालेगा भाई साहब। वह बात नहीं रही, वह बात नहीं रही मोदी की। लहर नहीं है ना बिल्कुल, क्या लगता है आपको लहर चलेगी या फिर कट रहे हैं ना मोदी के आदमी, वे तो जीता आए बैठे है। फिर भाई जीता तो वोट क्यों मांगो तुम? 100 आदमी और सर्वे करो, 10 आपको बीजेपी के मिल गए। वो तो नु कह दी 500 भी आ सकती है, 542 भी पार हो जाए इनकी कई बेरा, लेकिन पब्लिक में जाओगे तो हर तरह का रुझान, हर तरह का रुझान है जी। बाबू जी क्या कहेंगे? बात ये है उससे अलग कोई आदमी नहीं है ना, मोदी से बढ़िया आदमी नहीं है हिंदुस्तान में कोई। अच्छा क्या करा जाए, अच्छे कोई वोट देंगे ना? लेकिन अच्छे को इन्होंने कहा जी अब तो रोजगार की बात भी करके वोट देंगे, हमें तो मुद्दों के ऊपर वोट देने चाहिए, आपके साथ ही बैठे हैं। नहीं वो तो ठीक है, अच्छा देश देश के लिए भी सोचना है ना जी। देश में उससे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता। युवा पीढ़ियों ने वो बेरोजगारी के ऊपर वो निकाली है अपनी बारात, यात्रा निकाली, बारात निकाली, सही बात, कल निकाली थी। अब वो बेचारे क्या करें, नौकरी है नहीं, छोकरी कोई दे नहीं रहा, तो इस सरकार को क्या ये सारे रांडे हैं, इनना तो चाहिए भी कोनी छोकरी। अब की बार ऐसा है जी, हमारे को तो इनकी 250 लगती है। अच्छा और मैं यही पाऊंगा पार्क में कभी 4 तारीख के चाहे तो आप यही मिलेंगे जी, 4 जून के बाद। अजय नाम है ना आपका? मेरा अजय नाम सर। थैंक यू सर, घूमने वाले। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। भाई साहब क्या माहौल बनेगा, क्या माहौल बन रहा भाई साहब? माहौल को तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्या बन सकता क्या नहीं बन सकता। अच्छा बाकी 25 मई को इलेक्शन अपने, तभी बता पाएंगे, बाकी क्लियर कुछ भी नहीं है। लमसम क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, मार्केट के हैं, लोगों के हैं, लोगों के लोग जो है डबल माइंडेड गेम खेल रहे हैं। अच्छा मुंह पे कुछ कह रहे हैं, इवन इवन समर्थक कह रहे हैं कि कांग्रेस का, लेकिन वोट बीजेपी का देंगे, बीजेपी का देंगे। यानी डबल माइंड चला, डबल माइंडेड चला। अभी कोई क्लियर नहीं बता सकते कि ये सिचुएशन क्लियर है सर, अभी क्लियर तो कट नहीं हो रहा। तो ये कट नहीं होगा सर, ये मे बी नहीं, मे बी नहीं, क्योंकि ये सब भी पढ़े लिखे समझदार है, ओपन कोई नहीं आना चाहता, ओपन कोई नहीं। ठीक है दोस्ते बता दो कि नहीं वोट पड़ेंगे की बार है, बताओ कि मेरा पट्टेगा, बताओ बताओ ना, मेरा कुकर पट्टेगा, ये महंगा होगा कि सस्ता होगा, तो और व्यक्ति आओ बताओगे। नमस्कार, तो अब की बार क्या माहौल बन रहा चुनाव के प्रति? माहौल बीजेपी का है, बीजेपी मोदी जी को जिताएंगे और क्या, सीधा क्लियर है ये तो, क्लियर है जी। हाँ बिल्कुल मोदी जी पक्का, मोदी जी। नमस्कार सर, आए ना प्लीज बता के जाए, अब की बार लोगों का क्या विचार बनेंगे, क्या आधार रहेगा चुनाव का, किस प्रकार की बातें रहेंगे भाई? अब का तो कोई आपस में कोई बात ही को नहीं, साफ है बिल्कुल। कौन पता यार, हाथ का निशान सबका साथ, आपने सारा होता साफ कर दिया, बिल्कुल साफ है, क्लियर भाई साहब। 10 मत है मन नहीं होता, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, हमेशा बीजेपी वोट दिया है, पर अब का है ना बिल्कुल माहौल चेंज है। माहौल चेंज हुआ कैसे सर, कोई अनुमान आदमी का? देखो कारण इसका सीधा सा है कि जो ये नीतियां है ना लोगों को बेवकूफ बनाने की, भाई वो चीज गलत हो रहा है, लोगों को जुमलों का पता चल गया। जुमलों नहीं मतलब हर बात के ऊपर आप कोई बात ही नहीं कर रहे, कोई मतलब आपके बेरोजगारी के ऊपर मतलब बात नहीं कर रहे, आप महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये बातें नहीं, महिला के मंगलसूत्र की बातें हो रही है, ये चीजें गलत है। मंगलसूत्र आप ये बताओ ना, ये कह रहा मंगलसूत्र बिकवा दिया, मंगलसूत्र की कहानी क्या थी, उसको तो कोई नहीं देख रहा। जिस टाइम पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उस टाइम मिलिट्री को पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था, उस टाइम इंदिरा ने अपना मंगलसूत्र बेच के वो पैसा दिया था, वो मंगलसूत्र हटा दिया मोदी ने। ये कहानी वो है ये कहानी। अब मोदी तो हर चीज में आज कोई ना कोई चीज हटा देगा, भाग जाएगा 4 दिन के लिए, फिर आएगा वो पिछला मुद्दा खत्म कर देगा, आगे और मुद्दा उठा देगा, नए मुद्दे आ जाएंगे। बस मोदी का काम है जो मेरी माने ठीक है ना, साले को अंदर करो। आजकल बिल्कुल साफ है जी, कलियर सी बात है। अब क्या जो है ना यहाँ भिवानी में इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ, और भिवानी का आदमी कोई वोट नहीं देगा, और वो ही देगा जिसने दारू मिलती हो पीने के लिए। नमस्कार सर, आओ एक मिनट बता के जाओ आपके विचार देके जाए। जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार मतलब जो शुरू में माहौल था पिछली योजना में इनका, उससे यूं लग रहा था कि भाई ये देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे लेके जाएंगे देश को, पर इस 5 साल की योजनाओं में जो इन्होंने सिस्टम बनाया है ना जी, आम आदमी बेरोजगार है और जॉब का कोई किसी मतलब ही नहीं है, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, इवन IITs में जो है ना जॉब नहीं है, 48% तक जो है ना बेरोजगारी फैल रही है, वहाँ प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो इन लोकल कॉलेजों की क्या बात रहेगी, है ना? तो इस सब को देखते हुए अब का तो कोई
मतलब चांस ही नहीं है जी। अब की बार आम आदमी आम व्यक्ति मुद्दों के आधार पर वोट बिल्कुल बिल्कुल वो जो काम करेगा ना जी वो आएगा सीधी सी बात। ये है आप जिस तरह मुद्दा ही बात कहो सो सारे मुद्दे कौन बतावा किसने बेरा मुद्दा का तो बताऊ वो बताऊ यो भी इसने भी ये बेरा ये बेरा यो इसने बेरा मुद्दा के बारे में क्या हो सब मुद्दे वो आगे वो बता देंगे ना तो इन्हें बेरा से के मुद्दा के बारे में हैं मेरी बात सुनो इसने बता दिया सारी जिंदगी इसने जो ना ड्राइवरी करी यार भी ड्राइवरी करे से बता के मुद्दा है बता। आ, मेरी सुनो जी है? जो ड्राइवर होता है ना वो समाज के हर वर्ग से संपर्क में होता है ठीक है और वो हर व्यक्ति से मिलता है उसका जो मैटर है जी वो आम पब्लिक से मिलता है उसको माहौल का पता होता क्या है। बाबूजी मैं भी ड्राइवर हूँ जो मोदी ने कर दिया ना सड़क पहले गाड़ी चलया करती ना थोड़ी दूर जाता है बस कट जाया करते पिन कट जाया करती इस साले का एक साल तक किमी को नहीं हाल है ऐसी सड़क बन गई। आपका टाइम में सुनना के बात था 300 रुपये अरीब सुनना के बात है 75,000 ये सड़क किसने बनवाई मोदी ने ना मोदी ने कुछ नहीं बनवाई मोदी ने तो बेरोजगारी अंडाई अरे तो बेरोजगारी दे कांग्रेस का राज में सिलेंडर छोटा छोटा बालक ने 10 रुपये दे दे लेता नहीं छोटा बालक 100 रुपये ले जाए इतने बड़े बड़े मोबाइल वो ले रहे बालक 15,000 के शिक्षा वो शिक्षा नहीं रही बच्चों में छठे क्लास से बच्चों को मोबाइल पकड़ा दी वो मोबाइल देखेंगे पढ़ाई करेंगे बच्चा रोवे कोनी मानू को मोबाइल का बच्चा दे दे इसने ये बैठे बेटा इनने के बता दे ध्यान रहेगा पढ़ाई होगी नहीं होगी ना तो आपको आगे पढ़ के क्या चाहिए नौकरी चाहिए नौकरी कौन सी चाहिए सरकारी सरकारी कह रही है नौकरी आवेगी 400 पार मोदी सरकार क्या नजर ठीक है क्या कहेंगे बदलाव चाहिए हमें तो बदलाव चाहिए तो इससे बड़ी आदमी तो हमने कोई दिखा को नहीं बदलाव चाहिए अच्छा इनका इंटरव्यू लो ले लिया बता दिया मैंने इंटरव्यू के बदलाव चाहिए बताओ जी भी इनका आदमी बताओ ये आगे बताओ ये तो हम तो ये बताते हैं भी 400 पार मोदी सरकार मोदी का बेड़ा पार मोदी का बेड़ा पार और 400 हार मोदी की हार 400 बेड़ा पार और मोदी की हार 300 कांग्रेस आओगी भाई मोदी कांग्रेस के राज में सिलेंडर कितने का था कितने का सिलेंडर था बता दो 400 का था कितने का है 1200 से 1200 रुपए सोना का क्या रेट था अरे सोना ना खरीदा 50 रुपये मजदूरी गरीब किसी आदमी का 700 रुपये मजदूर आदमी की गरीब आदमी भाई और मोदी गोबर भगत है गोबर भगत कुछ तो डालने के लिए चाहिएगा तो मान लो आधा तोड़े की गुट्ठी भी लेनी पड़ेगी तो आधा तोड़े की गुट्ठी लेनी पड़ेगी तो कितने रुपए लगेंगे गरीब आदमी कहाँ से लेगा गोबर भगत दे तो खाली नारे नारे लगाने तो बात को मना कर रहा है बात में सच्चाई होगी ना तो आप एकदम आ जाए बात में तो बात में तो बुला बुला नारे लगवा लो ताली बजवा लो बात दम हो रहा है तो ताली बज जाएंगी और बात दम भी पड़ेगा। रोजगार चाहिए बच्चों को नौजवानों को रोजगार चाहिए कौन देगा है? बच्चे हो रहे हैं जो शहर है पिछली बार की अगर 19 की बात करूँ तो मोदी लहर थी तो हमें मोदी की लहर थी कोई लहर नहीं कोई मोदी की लहर नहीं है बिल्कुल नहीं है मोदी ने सांस को नहीं आ रही बिल्कुल भी और नहीं वोट देंगे अच्छा बता दी सारी बात मोदी जी को वोट देना चाहिए और इसलिए देना चाहिए कि वो ये रोड पे नहीं रहते इनको पता नहीं है कि क्या क्या किया उन्होंने क्या हो रहा है सब कुछ किया उन्होंने सर अच्छे अच्छे रोड बनवा दिए हैं जगह को सरलीकरण कर दिया गया है जहाँ हमारी चीज छोटी छोटी जगह पे घुसे रहते थे उसको रोड को चौड़ा कर दिया गया है बहुत सारे काम है सर ऐसे काम थोड़ा चलता है क्या करें 60 किलोमीटर मेडिकल की सुविधा मेडिकल राम मंदिर में
भिवानी बन गया, भिवानी बन गया, जींद बन गया, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ बन रहा है, आगे सिरसा भी पास कर दिया, मेट्रो आ गई अपने बहादुरगढ़ तक, भिवानी और रोहतक तक पास हो चुकी है, रेलवे लाइन बिछ गई, मैम रोहतक से मैम होते हुए हिसार की, लोहारू की तैयार हो रही है, भिवानी से लोहारू पास हो चुकी है, ये कब होगी आपको पता चला? काफी टाइम हो गया, पता चला सर पास होगी भाई साहब, काफी टाइम हो गया, तो भाई साहब जो वर्तमान के एमपी साहब उसको उसको पर बात कौन करे यार, आपको पास होगी, सुनो रोहतक से रोहतक से हिसार की होगी, बन के तैयार होगी, चलने लग गई, वो तो भिवानी की लोहारू की कहाँ पास होगी, कहाँ बनेगी और कहाँ पे, भिवानी से लोहारू की रेल पास हो चुकी भाई, कब उसकी बात सबको बता दो, कम से कम तीन साल हो चुके, पास हुए तीन साल, काम भी हो जाएगा शुरू, काम भी हो जाएगा। अच्छा सुनो, रोहतक से अपना हिसार वाया महम होगी शुरू, होगी ना, सड़कें कितनी चौड़ी हो चुकी हैं, मेडिकल फैसिलिटी कितनी दे रही है सरकार, आपके पता है इस मेडिकल में डॉक्टर भी बहुत कमी है, सारे डॉक्टर आ रहे हैं ना मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर कांग्रेस के टाइम पे थे क्या डॉक्टर? नहीं थे, तो फिर आप कैसे सरकार तो देगी यार, अब आप दे रही है मेडिकल कॉलेज दे रही है, ये मेरी बात सुन, देखो मैं किसी मेडिकल कॉलेज मैं किसी का किलोमीटर पे दे रही है, कहाँ दे दिया, हर 60 किलोमीटर के दायरे में, अरे कहाँ का दे दिया, पर वो भिवानी है या बड़े है, भिवानी जल होने वाला शुरू, पहले शुरू है को नहीं, तो अब आचार संहिता हटते ही काम चल रहा है इसका भाई साहब, आचार संहिता हटते ही शुरू हो जाएगा, ये ठीक है साहब, ठीक है, जींद का भी तैयार हो चुका है बन के, रेवाड़ी वाला ये नार रोड है किस साइड में, प्रधानमंत्री जी पीछे जाए करके उद्घाटन, ना ना अभी शुरू नहीं, वो शुरू होने वाला, वो भी आचार संहिता हटते ही, अच्छा जी, यूनिवर्सिटी दे दी बना के, एक तो होता है भाई सिर्फ ऐलान करना, एक होता उसको लागू करना, अच्छा यूनिवर्सिटी लाग चला दी, शुरू कर दी, बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनाई तो इसी सरकार ने है, और शुरू भी हो चुकी है, कॉलेज देरी है, सड़कें बनवा दी, क्या नाम है, बच्चे तो रोजगार मांगने लगे ना, बच्चे रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार बताओ कौन सा रोजगार नहीं दिया, बिना पर्ची बिना पैसे बिना खर्ची के बिना सिफारिश के नौकरियां मिल रही हैं, कल देखे थे अपने वो बच्चों की किस चीज की, भाई साहब एक बात बताओ, 100% तो जिंदगी में कभी कोई कर सका ना कर सकता, ठीक है, सरकार हम किस लिए चुनते हैं, कोई नहीं कर सकता, सरकार हम किस लिए चुनते हैं, सरकार किस लिए बनाते हैं, सरकार हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी लगभग मांगे जो है पूरी करवा सके, वो 100 का 100 हमारा काम करे करे ना, सरकार हम इसलिए बनाते हैं, 100 की 100 कोई कर सकता है कोई, अरे करना चाहिए सरकार को यार, नहीं कर सकता भाई साहब, तो है सर, कर तो रही है, कोशिश तो जारी है, हर तरफ से काम करें, हमारे धर्म के ऊपर काम हो रहा है, हमारे कर्मों के ऊपर काम हो रहा है, सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, धर्म को राजनीति को अभी तोड़ सकते हो क्या, हम काम हो रहा है, धर्म काम खतरे में सर, धर्म खतरे में, यहाँ खतरे में नहीं लग रहा ना सर, आप अपने लोकल टीम में कहीं और हमारे विपरीत जो लोग खड़े हैं कहाँ पे खतरे में है वो तो बताओ, देश में ये तो बता रहा हूँ, जो हमारे साथ यहाँ नहीं है और कहीं और एरिया में वहाँ खतरा है, मेरी बात सुनो, और वास्तव में खतरा है, सुनो साहब, इंदू तो राष्ट्रपति, इंदू प्रधानमंत्री, इंदू उपराष्ट्रपति, और इंदू सारा सोता सिस्टम इंदू में सर, दिक्कत ये है की सब कुछ यही है, जिनसे हमें खतरा है उनकी दिक्कत ये है की सब कुछ उन्हीं का है, यह सब कुछ हमारा है, कैसी बात की, तरक क्यों नहीं है सर, उनको यही डर है की सब कुछ इनका होगा तो हम खत्म हो जाएंगे, सरकार ऊपर से नीचे सरकार हिंदुओं की है और फिर भी हिंदू खतरे में है, वो समझ नहीं आ रहा कहाँ पे खतरे में है, वो समझाओ, और तो साइड हट मत प्लीज, साइड में चलो आप ही चलाओ, तो बात है तरक भी तरक बात करो ना, आप तो खतरे में कहाँ पे, मुझे वो बता दो, आपने कहा कि हिंदू खतरे में, मेजोरिटी है इसलिए हमें खतरा नहीं लग रहा, जहाँ हमारी मेजोरिटी नहीं ना वहाँ बहुत खतरा है, तो सर कहाँ पे खतरा है, दिल्ली में बता सकता हूँ आपको, दिल्ली में ऐसी लोकलिटी एरिया बता सकता हूँ जहाँ अपने आम आदमी का साइकिल लेके घुसना खतरा हो सकता है, मैं आपको बंगाल बता सकता हूँ, काफी एरिया मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं, मैं आपको अमरनाथ बता सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको द्वारका बता सकता हूँ, जहाँ आम आदमी को इस धर्म से खतरा है, जहाँ वो चलती पानी वाली सरकार, क्या करे सरकार इस पे काम कर रही है, द्वारका में आप जाके देखो 280 कब्जे हटाए हैं जो मोमडमो ने अपने ऊपर, वहां पाकिस्तान का झंडा लगा रखे थे कांग्रेस सरकार ने, वहां भी हमारा खतरा था, तो इस सरकार ये खतरा वैसे नहीं बता रहा कि हमें उनके साथ जीने में खतरा, उनके जो भावनाएं हैं वो खुद लगता है सर, लोगों के अंदर ना, सुने लोगों के अंदर जान में बढ़ रहा कि हम खतरे में हैं, हम कोई खतरे में नहीं, देश के नागरिक हैं, हमें लोग जीने का सबको अधिकार है, वो धर्म स्थिर नहीं है और हमें भी वो स्थिर रहने में मदद नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि ये भी स्थिर रहे, हम तो वैसे ही हैं,
बात को समझ नहीं पाया। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये जो सरकार काम कर रही है धर्म के ऊपर, जो इसको ये ऊपर एलिगेशन है कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर रही है, ये फैक्ट है, ये करना भी चाहिए। सब कुछ हमारा है तो हमारा ही होना चाहिए। सर क्या हिंदू ने ये देश आजाद कराया था, उसमें मुसलमान नहीं थे? उनका कब डिनाई कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं। अलग अलग करना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है ना सर, जो हमारा ही बनाया हुआ सब कुछ है, वो उन्होंने तो अपनी संख्या दी आके यहाँ हमारे जो सर आपके द्वारा हिंदू द्वारा बनाया, क्योंकि 5-7 बता दो जो अजूबा हो, जो कुछ तोड़ फोड़ कर मरोड़ कर उसके ऊपर अपने झंडे गाड़ गाड़ के सब कुछ इन्होंने अपना कर लिया। आप चाहे वो चाहे मथुरा चले जाओ, आप चाहे वो बनारस चले जाओ, आप वो अयोध्या में भी देख रहे थे, वो सब कुछ हमारा ही था। सब कुछ हिंदू योद्धाओं ने बनाया हुआ था। जम्मू कश्मीर भी हमारा ही था। अब वहां मेजोरिटी आप इनकी देख सकते हो। तो ये होले होले जो इनांस हो रहा था उसको रोकना भी तो जरूरी है। कौन रोकेगा? हमारे जो नेता है जिनको हम चुन के आगे भेज रहे हैं वही तो रोकेंगे। ये लोगों के विचार है जी, नहीं आपने तो विचार कोई है नहीं चार है लोगों के। आप बता लीजिए हिंदू खतरे में है या मुस्लिम खतरे में है? लेकिन खतरे में तो है जी कोई ना कोई। इनका तो ये हो रहा है, कल तो ये हो रहा है, हमारे घर में लड़के कुंवारे हैं, शादी कौन करा देगा बताओ? शादी कौन करा के देगा? मोदी करवा के देगा शादी इनको? मोदी तो करवा के देगा नहीं, तो ये तो मोदी को गाल बकन से। ये तो हाँ तरक तरक हो या ना हो, ये लोगों के ये लोगों के विचार है। अजय जी मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, जो बंदा अपनी रोजी रोटी के सर्वाइवल के लिए, जो बंदा अपनी रोजी रोटी के सर्वाइवल के लिए रोड के ऊपर रहता है उसको पता है मोदी जी ने क्या किया। हाँ उसने पता है कि मैंने क्या देखा और मैं क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या हो सकता है। जो सिक्योरिटी थी ना रोड के ऊपर वो थी नहीं। आज अगर कोई ड्राइवर है जो सुबह 5 बजे उठ के या 4 बजे उठ के कहीं के लिए चलता है, मैं कहता हूँ यूपी जैसे एरिया में जहाँ आम आदमी का चलना मुश्किल था पैदल, हमारा बंदा, हमारे लोकल ड्राइवर जो हरियाणा से निकलते हैं रात को 2-2 बजे निकलते हैं कि यूपी अब सेफ है, किसी भी टाइम चलो। वो किसने किया? ये सरकार सेफ पूरा देश है सर, नजरिए की बात है सर। आप सेफ नहीं था, हमारे ड्राइवर लुटे पुटे आते थे, हमारे ड्राइवर लुटे पुटे आते थे। और जो और आपकी बार देख लो कैसे, और जो क्षेत्रवाद की राजनीति की जब पूरा हल कर दिया था, जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते थे उन लोगों ने तो इतना बुरा हल कर दिया था कि लोहारों से बाहर निकलती है टैक्स टोल बना देते हैं, जींद के अंदर घुसते ही टोल बना देते हैं। ये हमारे चौटाला साहब है, ये गाड़ी पसंद आ गई ये ले ली, जो लोगों के बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे सिस्टम था, ये घर पसंद आ गया चलो मेरा। अभी ये बाइक ड्राइवरी करता है, सारी उम्र बिता दी, बताओ इसके ऊपर क्या मुसीबत आई आज तक? नहीं रस्ते के अंदर जंगल में लूट लिया करते गाड़ी, तेरी कोई गाड़ी लूटी भाई? अपनी गाड़ी नहीं लूटी, ये ठीक है सेफ्टी वही है, दो चीज माना मोदी सरकार। लेकिन खाली एक ये यही मुद्दा नहीं हो सकता, ये सही मुद्दा नहीं हो सकता खाली। मैं रात को सर क्या मतलब होया, मैं पूरी अभी मैंने पिछले महीने जगन्नाथ कांग्रेस के टाइम है ना, एक अमीर आदमी के पीले गुलाबी कार्ड थे। आप कह रहे हो, रुको, आप कह रहे हैं दक्षिण हरियाणा रहे हो, दक्षिण हरियाणा में कौन कौन से आ रहे हैं? भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये रेवाड़ी, ये है यहाँ की मेन जो है रोजगार, वो क्या है पहले बताओ मुझे? आम अपने युवक का 12वीं पास करी उसके बाद क्या रोजगार है? उसके बाद आर्मी डिफेंस यही होता था भाई, अपने 12वीं करो भर्ती हो जाओ, उसके बाद आपने जो है उसको 4 साल कर दिया, रिश्ते नहीं हो रहे बच्चों के, जिसके परिवार में 100 रुपया जिसके परिवार में 4 साल वाला बच्चा लग गया ना, 400 का नौकरी जिसकी लगी 4 साल वाली, उसके रिश्तेदार कौन सा, उसका रिश्ता कौन था जिसका 4 साल की नौकरी है? क्यों जाओ कराया कि उन्हें मेरा 4 साल में घर ना जगह रिश्ता उसका भी हो जी, मैं कौन सा अफसर लग रहा हूँ, रिश्ता मेरे भी हो रहे हैं। ये बेवकूफी हमारी कि हम सीधा आर्मी के ऊपर डिपेंड हो जाए या सरकारी जॉब के ऊपर डिपेंड, हमारे हाथों में न रहे भाई, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन खुले आप करो ना यार, आप क्यों नहीं करते? आज के दिन अजय जी आपकी कमाई का साधन क्या है? मैं ये कह रहा हूँ अजय जी, जिनके जिनको लग रहा है ना कि मैं मानसिक रूप से मेरे को सरकारी जॉब चाहिए या मेरे को फौज में ही भर्ती होना, रोजगार चाहिए प्रभु, सरकारी और उसमें क्या पकोड़े तला को रोजगार नहीं है? मैं बताता हूँ रोजगार के रास्ते तो लोग खुद सर्च कर रहे हैं सर, आप इस काम से भी रोजगार नहीं ले रहे, आप ये जो काम कर रहे हो इसमें रोजगारी है, हो सकता है हम लोगों से ज्यादा कमा रहे हो किसी न किसी तरीके से, तो ये भी रोजगार है, वो तो देखने का नजरिया ही होगा, सरकारी चाहिए, सरकार सब कुछ सरकारी नहीं दे सकती। प्रभु रोजगार पे उसको बोला जाता जो मील खुला है, जो बड़े-बड़े फैक्ट्री खुला है, सरकारी 4 साल वाली फौजी वाली बात गलत है, 4 साल वाली नहीं है, कैंसिल करनी चाहिए। अब की बार महिला क्या वोट देने का, किस तरह वोट देने का काम करेगी,
क्या आंकड़े लग रखी की महिलाएं? बोलो जी बोलो कुछ भी, मोदी को देना है या कांग्रेस? मोदी ने जो अच्छा करेगा उसने देवा। हाँ तो क्या अच्छा लगा आपको गृहणी में? भाई आपके के चिन्नी घटी के तेल मंदा होया मार तो महंगाई पूरी कर रखी मोदी ने। महंगाई घटे तो वो थोड़ी सी ये बाजरा देन लाग रहा मोदी इस टाइम में। ई और के गर्मी में कोई बाजरा थोड़ी ना खाओगा, क्यों देने चाहिए? क्यों देने चाहिए? साल में बाजरा लागू कर दियो इन्हें, बताओ देने तो चाहिए, क्यों देने चाहिए? बाजरा बांटे बताओ, बाजरा कौन खाओगा? की बात है ये, हाँ भी बदले है की हाँ मोदी जी बहुत तगड़ा आदमी है, कहना ना ये भी ठीक कह है। बाजरा पूरी साल खतर बाजरा बोल दिया, कौन देगा ना? फिर भी तो देखो 6 किलो तो गेहूं मिलेगा और 14 किलो बाजरा, तो 14 किलो बाजरा खावे की गेहूं खावांगे वो भी 6 किलो देवे, तो ये करना चाहिए सरकार ने न्याय, और तो क्या करना चाहिए? पूरी सर्दी निकल गई, ये बात है जी, और बाजरे वाली बात फैक्ट है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई नहीं ऐसा होगा जो बाजरा खाता होगा इस मौसम में, बाजरा कोई नहीं खाता होगा। कहने वाली बात है, मीडिया पे आगे मैं 2 बात मार गया लेकिन ये रियलिटी है, इस मौसम में बाजरा खाया कौन सा? ये प्रधानमंत्री के भाषण हो जाएंगे, बोले अगर कांग्रेस आ गई तो औरतों के मंगल सूत्र तार ले जाएंगे, अगर कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर का अयोध्या का ताला लगा देंगे। रम लिया प्रधानमंत्री वैसे बात बोलते हुए गलत है के ये प्रधानमंत्री का अटल बिहारी वाजपेयी था, एक नंबर का आदमी, आज सारी पार्टी वाले उसकी इज्जत करे थे, इसकी कौन करे थे? तो जो एक मिनट में जो अपनी लुगाई का नहीं है और की जगह उसकी लुगाई के भाषण, जनता के विचार है, अपने विचार है उसकी लुगाई के भाषण थे, हमने नहीं, मेरा उसने नू कही थी जो गारंटी ले थे मेरे से ब्याह करके के गारंटी ली, मेरी तो गारंटी कौन की? जो शुगर से कांग्रेस का जो पहले जो है मतलब पेंशन मिला कर मां अपना गुजारा करने लगे, छोड़ के संत बन गए, आप उनको चैलेंज कर रहे हो यार, कमाल है, शादी तो करी और उसके बाद संत बन गए, ये तो जो संत हो जाए संत बना हुआ उसने गुजारा, उसकी जिंदगी खराब कर दी, आप अपनी घरवाली को पूरे कर दोगे क्या सारे कार्य है? तो कौन करना होगा बारकाव आदमी कोई घरवाले की पूरे करने के लिए? कैसी बात करो, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे माँ बापा ने किया, हमारे माता पिता के लिए छोड़ दे रहे, क्या घरवाली छोड़ दे, ठीक है घरवाली अपने भगवान का भजन कर रहे हो, अपना काम कर रहे हैं, तो चलो साहब ये लोगों के विचार है, मन के विचार है, क्योंकि जी विचार लोग ऐसे आते हैं, लेकिन बात इफेक्ट वाली भी है, बात दमदार भी है, और बात दमदार के अंदर लोगों के मेन मेन विचार निकल के आ भी रहे, तो नेहरू पार्क से विचार थे, मैं को मानू आप मानो हो ना, नहीं माना इसी बात का, नहीं माना इसी बात ना, आप मानो हो हम ये के मानेंगे हां, टेरेसली के एक मोती भगत साहब आइए, अच्छा ऊपर भगत लाले मोती भगत लाले तुमने काम तो मतलब नहीं क्या सुमित सुन ले तू सारी पी तो बोल, ये भक्ता केस है, भक्त के तरी ताली बजाओगा दरअसल, देखो काम के कुछ नहीं हुआ, काम जी बन रहा कि नहीं हुआ काम, काम नहीं हुआ ना, चलो जब ये लोगों के विचार थे, ठीक है ना, हाँ ये लोगों के विचार थे, जे एन सी न्यूज से अजय नायक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट, बाहर जाने से बढ़िया मैं अपने शहर के विचार दिखा दूं लोगों को, तब लोगों के मन में क्या चल रहा है।